आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। दोस्तों आज एक बार फिर हम आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे चैनल बीएम अब तक भारतीय मीडिया न्यूज में। आज हम लोग मालेगांव शहर के वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी का जो पार्टी ऑफिस है हम यहाँ पर मौजूद है। आज 11 मई 10 मई को महाराष्ट्र के दिग्गज नेता बहुजन अघाड़ी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अम्बेडकर बाला साहेब अम्बेडकर साहब उनका वार दिवस रहता है। उसी के मौके के ऊपर यहाँ पर मालेगांव शहर के ज़िला अध्यक्ष कपिल आयरे जो कुछ ना कुछ हमेशा सोशल एक्टिविटी में रहते हुए अपने काम को एक पहचान बनाते हुए मालेगांव शहर में उभरते हुए लीडर की शनाख्त बना रहे हैं। आज उनका एक यहाँ पर प्रोग्राम है कि प्लाज्मा, हमने उनसे पूछा कि प्लाज्मा ही देने की ज़रूरत आपने क्यों महसूस की, इसके अलावा और भी कई कामकाज है। उन्होंने बताया कि आज देश भर में कोरोना महामारी जैसी बीमारी पनप रही है, पूरे देश में कोरोना से लोग परेशान हाल है, लेकिन प्लाज्मा एक ऐसी चीज़ है जो शायद कई जिंदगियां बचा सकता है। तो 10 मई के इस प्रोग्राम में बाला साहेब अम्बेडकर की इस जन्मदिन के मौके के ऊपर उन लोगों ने यहाँ पर 51 प्लाज्मा देने का प्रोग्राम किया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर देश के नागरिक होने के साथ साथ वो अपना फ़र्ज अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हर कोई यहाँ पर अपना प्लाज्मा अपना ब्लड डोनेट कर रहा है कि इस देश में कैसे भी किसी भी तरीके से इंसानियत का एक पैगाम जाते हुए। आज ये ब्लड कैंप करने का असल मकसद क्या है? आज का जो ब्लड कैंप है और प्लाज्मा कैंप है, प्लाज्मा डोनेट कैंप, उसका मकसद यही है कि 10 में जो दिन होता है वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय नेते आदरणीय बाला साहब जी अम्बेडकर इनका जन्मदिन होता है 10 मई को, और वही जन्मदिन हम स्वाभिमान दिन के नाम से बनाते हैं पूरे महाराष्ट्र में, देश में स्वाभिमान दिन बोल के वो दिन मनाया जाता है, और वही दिन के मद्देनज़र रखते हुए ये ब्लड डोनेशन कैंप और प्लाज्मा डोनेशन कैंप रखा गया है। और आज ये कैंप में 51 डोनर का हमारा टारगेट है, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्लाज्मा डोनर हम देना चाहते हैं हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से। और ये ब्लड कैंप में और प्लाज्मा डोनेट कैंप में बहुत सारे वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता और सब पदाधिकारियों ने बहुत ही अच्छी तरीके से सब सपोर्ट करके और ब्लड भी डोनेट कर रहे हैं और प्लाज्मा डोनर भी ढूंढ रहे हैं, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम स्वाभिमान दिन कैसे अच्छी तरीके से मनाया जाएगा वो सब सोच रहे हैं। उसके बाद वृक्षारोपण हो गया, सैनिटाइजर मास्क वाटअप हो गया, ऐसे बहुत सारे और उपक्रम भी है स्वाभिमान के दिन के, वो कल या परसों में हो जाएंगे। और स्वाभिमान दिन के मद्देनज़र रखते हुए ये जो है हम सभासद नोंदनी अभियान भी शुरू है, कल से ही शुरू हुआ है वो, और वो भी मनाया जा रहा है। और प्लाज्मा डोनेट करने का असल मतलब वो क्या है कि प्लाज्मा क्यों डोनेट कर रहे हैं? प्लाज्मा डोनेट बोले तो जो पेशेंट जिसको कोरोना हुआ था उसको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आके पूरा महीना हो गया, 30 दिन हो गए, तो उसका जो प्लाज्मा है उसका जो ब्लड है वो एक कोरोना पेशेंट की ज़िंदगी बचा सकता है, वही एक मकसद है। अगर हमारे पास आज 5 डोनर हो तो हम 5 लाइव्स बचाते हैं, 5 जी बचाते हैं। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड से प्लाज्मा डोनर पे ही ज़्यादा भर दे रहे हैं, और जितने प्लाज्मा डोनर होंगे उतनी जाने हम बचा सकते हैं। इसके लिए प्लाज्मा डोनेशन का हमने सब नियोजन किया है। अब आगे कॉरपोरेशन के चुनाव की भी तैयारी है? नहीं, कॉरपोरेशन के चुनाव के अभी तो कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि फ़िलहाल ये वक्त ऐसा है, अभी सियासत करने का टाइम नहीं है, अभी एक दूसरे को मदद करने का वक्त है, एक दूसरे को कैसे समझा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना पेशेंट उनके फैमिली को कैसा दिलासा दिया जाए, उनको कैसे हेल्प किए जाए, ऑक्सीजन वेंटिलेटर बेड उनको कैसे। इसके अलावा और वंचित बहुजन अघाड़ी की जो टीम है इसके अलावा और कौन कौन से इस पर काम कर रही है इस कोरोना काल में, मतलब इस कोरोना काल में वंचित बहुजन आघाड़ी की जो सारी टीम है वो 24 आवर फील्ड में है। बहुत सारे लोग यानी इतने कॉल्स आते हैं क्या भाई जी सर जी बेड अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, रेमडेसिविर अवेलेबल नहीं है, तो सारी टीम लग के कैसे हम वो प्रॉब्लम सॉल्व किए जाए वो सब टीम वही फील्ड में अभी काम में लगी है। सहारा में हो,
हज हॉल में हो, दिलावर हॉल में हो, या जो भी कुछ हो, बेड कैसे अवेलेबल होगा इस पर ज़्यादा भर, क्योंकि ग्रामीण भाग से भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं मदद के लिए। नासिक जिला डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, हर कोई अपने अपने तर्ज पे काम कर रहा है। क्या आप ये चाहेंगे कि आपका भी अपना एक वंचित भोजन अघाड़ी की जानिब से एक कोई सेंटर बनाया जाए? वो तो अभी बाला साहब आम्बेडकर ने एक बहुत अच्छा आदर्श दिए है। अकोला में पहला जिला परिषद का कोविड सेंटर बनाया गया है, वही जानिब से अब सारी टीम लगी है कि कैसे जल्द से जल्द, भले 25 बेड का ना हो, कोविड सेंटर हम वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।